शमीर नगर में सुने मकान को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए के सोने के चांदी व नगदी के जेवरात ले उड़े। दियात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शमीर नगर में फरियादी के सुने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात व नगदी लेकर रफू चक्कर हो गए। फरियादी राकेश सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवराज सिंह भदौरिया निवासी शमीर नगर ने लिखित शिकायती आवेदन दिया थाने में दिया, जिसमें उल्लेख किया कि तोमर पेट्रोल पंप के सामने विगत दरमियानी रात्रि को मेरे घर में अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया, जिसमें घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, जिसमें एक 4 तोला सोने का व 4 तोला सोने की चूड़ी तथा 1 तोला सोने की चैन, 2 तोले के सोने के झाले एवं 6 अंगूठी सोने की मंगल सूत्र, 3 तोला 2 सोने के बाले एवं 15,000 रुपए नगदी अज्ञात चोर ले जाने में सफल हो गए। चूंकि फरियादी राकेश का एक लड़का विगत दिनों सड़क हादसे में गुजर गया है, जिसके चलते अपने पति पत्नी व परिवार के साथ गांव में ही दीपावली मनाने के लिए गए हुए थे, वहीं काफी दिनों से रह रहे थे, लेकिन उसी का किसी ने फायदा उठाकर सूने मकान के ताले चटका कर लाखों रुपए के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब पड़ोसियों ने फरियादी को सूचना दी तो फरियादी राकेश सिंह अपने घर पर पहुंचे, तब पता चला और छानबीन की तो सारे घर का सामान खुर्द-बुर्द पड़ा हुआ था और अलमारी समेत जिसमें सामान रखा हुआ था पूरा टूटा हुआ था। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे प्रकरण की छानबीन की। अज्ञात चोरों के विरुद्ध देहात पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ कर दी है। लाखों रुपए के जेवरात अज्ञात चोर ले जाने में सफल हो गए। मामला देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शमीर नगर का है, जहां देर रात्रि अज्ञात चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी के व नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। सुनिए पूरे प्रकरण पर पीड़ित क्या बोले, देखिए रिपोर्ट। हमारे घर पे ये हुई थी कि हमारा 15 तारीख को हमारा 17 साल का लड़का ये अपना नई तहसीली जो बनी है यहाँ पे गुजर गया था, तो हम तो नौकरी पे थे, बच्चे यहाँ थे, तो आप कहाँ में नौकरी करते हैं? हम BSF में। अच्छा, श्रीनगर में थे। अच्छा, तो कब आए हो भाई? हम 16 तारीख को सीधा फ्लाइट से आए थे, तो बच्चे की डेड बॉडी लेके सीधा गाँव चले गए। अच्छा, हाँ, तो गाँव से हम इधर आए नहीं, फैमिली थी तो किसी ने भी ताला डाला हो, घर में ताला डाल के सब लोग गाँव चले गए थे। अभी हमें आज आना ही था, क्यों अभी जो भी आने जाने वाले थे गाँव में, अब त्योहार उठ गया तो अब कोई आएगा नहीं। तो सुबह हमें यहाँ से फोन गया, पड़ोस वालों ने किया कि आपका ऐसे ऐसे गेट खुला पड़ा है, तो उनका ऐसी क्या बात हो गई देखो। तो फिर हमने नजदीक जो हमारा एक रिश्तेदार थे उनको हमने एक बच्चा भेजा, हमको अंदर थोड़ा देखो जाके क्या बात है। तो उन्होंने देखा आके तो बोला पापा सब कुछ बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है। फिर बाद में हम आए तो क्या चोरों ने मेन गेट के ताला वगैरह मेन गेट का ताला काट के फिर वो काटते ही चले आए, इसमें भी ताला था। सभी जगह ताले काटे? कितने ताले काटे होंगे? ताला 1, 2, 3 ताले काटे। एक मेन गेट का चार है? एकदम से सुना कि बच्चा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, तो सभी एक आदमी ATM के लिए भगता कि हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत है, तो कोई पैसे निकालने भगा, कोई हॉस्पिटल भगा, तो ऐसे करके फिर वो पैसा बच गया था, वो रखा था, तो 15,000 के लमसम कैश था, 15-17 तोला सोना था। क्या नाम है आपका? हमारा राकेश सिंह भदौरिया, ग्राम सेवड़ा पोस्ट। और ये हाल कौन सा मोहल्ला? ये शमीर नगर भिंड गली नंबर 3। मैंने सूचना 5 बजे मिली। हमें सूचना 5 बजे मिल गई थी। चोरी कितने की है? चोरी हो गई कम से कम 8-9-10 लाख के लमसम। 10 लाख रुपये? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? हाँ, पुलिस में सुबह हम गए थे तो पुलिस ने वो एड्रेस वगैरह लिखा था, फिर यहाँ आए थे तो बोला अभी छेड़ाछाड़ी फिर नहीं करना, डॉग टीम आएगी, तो फिर और बोला आवेदन आप एक दे देना, तो हम आवेदन ले आए हैं। पुलिस वगैरह आई थी करके? हम पुलिस आई थी, देख के गई है, अभी वो डॉग टीम को बोल गए कि डॉग टीम आएगी तो उसको डॉग से सर्च कराएंगे। ठीक है, आवेदन भैया से थोड़ा आवेदन। एक मिनट की हो गई, एक है ये पंप के ठीक सामने है, जैसे भी गली निकलेगा सामने जी, गली सामने गली पे ही रोकी है, कटोरा मारा के सामने।
वो एक पटु शर्मा रहा थे इनको आवेदन डाले हाँ उनकी चोरी है ना पटु शर्मा रहा जानते वो इस पंप के बगल से एक अच्छा सा घर बनाया नहीं जी नहीं यहाँ नहीं जी आप